हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल साइंस नेट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सिटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आज ओके सो लेके कुछ हिस्ट्री देख लेते उसके बाद सिटी के बारे में जानेंगे

एक ऐसा सिचुएशन आया जब सारे स्टेट्स ने सोचा कि कंप्लीट डिजर्मामेंट होना चाहिए और कोल्ड वॉर के दौरान वो लोग सोच रहे थे कि अभी अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाए तो बहुत मुश्किल है तो इस परिस्थिति में पीटीबीटी और एनपीटी को साइन किया गया लेकिन जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स थे वो उसे डिजर्मामेंट उस, उसको नहीं हटाया जा रहा तो ऐसे के लिए दो ट्रिटी साइन की गई लेकिन ये दो ट्रिटी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई सुपर पावर टेंशन ड्यूरिंग टेंशन का दौर गुजर रहा था तो इस परिस्थिति में न्यूक्लियर डिजार्ट के बारे में एक बहुत अच्छी तरह से सोची गई कि ऐसे न्यूक्लियर को हम डिजार्ट के तौर पर ले जाए आर्मेंट्स को खत्म करें ओके okay? सो so, The signatories to the PTBT held an amendment conference in nineteen ninety one to discuss a proposal to convert PTBT into an uh, instrument seeking to ban all nuclear weapons taste everywhere in the atmosphere, underwater and space and underground. So PTBT signatory members say that. मेंबर्स uh, है वो सोच रहे थे कि पीटीबी को अगर हम अमेंडमेंट करें कुछ अमेंडमेंट लाए 1991 में एक कॉन्फ्रेंस बनाया कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया वहां पर एक प्रपोजल लाया गया कि जो पीटीबीटी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे और एक बैन लगाएंगे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट पे जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हो रहे हैं एवरीवेयर एटमोसफेयर पे अंडर वाटर पे स्पेस पे अंडरग्राउंड पे इसको कैसे हम कंट्रोल में लाए इसको कैसे हम कंट्रोल में लाए इसके बारे में सोचने के लिए पीटीबीटी पीटीबीटी uh, ने सोचा कि सोचा कि कि के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कैसे हम कंट्रोल में लाए और uh, कहीं पर भी टेस्ट को हम अलाउ नहीं करेंगे न्यूक्लियर ओके With strong सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड Nations, negotiations फॉर comprehensive test ban treaty एट द कॉन्फ्रेंस ऑन on इन in Geneva, 1994 जनवरी में

प्रसार है उसे रोकने के लिए ये किया गया ओके सो फाइनल ड्राफ्ट जो है वहां पर 127 स्टेट्स ने प्रेजेंट किया वाज प्रेजेंटेड टू द यूएन जनरल असेंबली ऑन 10 सितंबर 1996 सो so, फाइनल जो ड्राफ्ट था वो अल्टीमेटली टेन सितंबर 1996 को यूएन के जनरल असेंबली में पेश किया गया वहां पर 127 स्टेट्स प्रेजेंट थे और ये ट्रिटी सिग्नेचर uh, के लिए ओपन कर दिया गया 24 सितंबर 1996 को यूएन हेडक्वार्टर्स में इसको ओपन कर दिया गया कि कितने सारे स्टेट्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कीजिए ओके okay? कुछ प्रोविजन हैं इंपॉर्टेंट इसके ओके okay? आर्टिकल कह सकते हैं कुछ प्रोविजन कह सकते हैं सो देख आर्टिकल वन में बताया गया है ऑफ द सिटीविटी आउटलाइन द बेसिक ऑप्लीगेशन ऑफ द ट्रिटी बेसिक जो अपलिगेशन हैदर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एंड प्रोहिबिट एंड प्रिवेंट एनी सर्च न्यूक्लियर एक्सप्लोशन एट एनी प्लेस अंडर इज डूडिडिक्शन और कंट्रोल जो स्टेट्स ये सीटीबीटी को साइन करेगा जो स्टेट सिटीबीटी के मेंबर होगा वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन को नॉट टू कैरी आउट किसी भी तरह को कैरी नहीं करेगा कोई टेस्ट को एक्सप्लोर एक्सप्लोजन टेस्ट नहीं करेगा और कोई न्यूक्लियर एक्सपोज टेस्ट को मतलब जो टेस्ट हो रहा है उसे प्रोहिबिट करेगा उसे रोकेगा और प्रिवेंट करेगा कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोशन उसके जुडिसिक्शन या कंट्रोल में ना हो उसके एरिया में कोई भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोशन ना हो सेक्शन टू में बताया गया है दैट ईच स्टेट पार्टी अंडरटेक्स टेक्स फर्दर टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग एनकरेजिंग और इट एनी वे पार्टिसिपेटिंग इन द कैरिंग आउट ऑफ एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोशन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन ओके जो सीटीबीटी के मेंबर्स होंगे वो जो किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के साथ जुड़ा नहीं रहेगा किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोई अच्छा रिलेशंस जो स्टेट्स हो रहे उनमें इस देश का कोई रिलेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से ऐसा ना जाना जाए कि सी टीवीटी टे का जो मेंबर स्टेट है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को एनकरेज कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में एनकरेज कर रहा है या उनमें योगदान दे रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है या टेस्ट को होने में वो आ, कुछ योगदान है ऐसा नहीं होना चाहिए अब आर्टिकल थ्री देखते हैं यहाँ पर बताया गया है जो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स फॉर द ट्रिटी ये कुछ इंप्लीमेंटेशन मेजर्स बात बताया गया है इस ट्रिटी के लिए इट रिक्वायर्स ईच स्टेट पार्टी टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू इम्प्लीमेंट ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रिटी सो so जिस जो CDBT के मेंबर्स हैं वो कुछ इंप्लीमेंटेशन मेजर्स लेंगे वो उसका ट्रिटी का ऑब्लीगेशन है कि उसको कुछ मेजर्स लेने ही होंगे इस ट्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ओके इंक्लूडिंग टी uh, or uh, बनाना होगा ओके ओके सो यहाँ पर क्या बताया गया आर्टिकल थ्री में मतलब एक नेशनल इंप्लीमेंटेशन मेजर लगाना होगा कि कैसे हम नेशनली uh, जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं किस आ, कैसे उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस के ऑब्लिगेशंस के अंडर हम करेंगे ओके लाइबिलिटी होंगी आर्टिकल में देखते हैं आर्टिकल फोर में बताया गया है विद द प्रोटोकॉल द वेरिफिकेशन रिजिम फॉर द सिटीबिटी सर्च रिजिम कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम द इंटरनेशनल डाटा सेंटर कंसल्टेशंस एंड क्लैरिफिकेशन वन साइड इंस्पेक्शन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शैल बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रिटी ऑन इट्स एंट्री इन टू फोर्स मतलब ये जो प्रोटोकॉल है, है रूल्स रेगुलेशन है ये एस्टेब्लिश करेगा एक वेरिफिकेशन रिजिम एक रिजिम जो है वेरीफाई करेगा किस चीज को फॉर दिटीबीटी सिटीबीटी के लिए एक वेरीफिकेशन रिजिम बनाया जाएगा और जो उसके प्रोटोकॉल्स को वेरीफाई करेंगे सच रिजिम इस रिजिम में क्या होगा क्या क्या कॉन्सिस्ट होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम होगा इंटरनेशनली मॉनिटर किया जाएगा इंटरनेशनल एक डाटा सेंटर होगा जो सारे डाटा को देखेगा कंसल्टेशन uh, एंड होगा इसके लिए ऑन साइट इंस्पेक्शन हम जाकर देखेंगे उस देश में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले जाएंगे सब कुछ होगा वेरिफिकेशन मतलब क्रिटिको फोर्स में लाने के लिए वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी ओके अब आर्टिकल आर्टिकल क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताया गया देखते हैं ऑफ द प्रोवाइड्स फॉर द सेटलमेंट डिस्प्यूट्स एंड एलाबोरेट्स द मेकेजम बाय विच डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ट्रीटी में बी सिलेक्टेड सब्जेक्ट टू लड़ाई लग गई तो क्या हो गया एक सेटलमेंट डिस्प्यूट बनाना की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को या लड़ाई को सॉल्व किया जाएगा एक ऐसा मेकनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि दो देश में अगर कोई डिस्प्यूट हो उसे कैसे डिस्प्यूट को सेटल किया जाए एक ऐसा सेटल सेटलमेंट डिस्प्यूट मेकनिज्म बनाने की कोशिश कर जा रही है कैसे इसे सेटल किया बट सम कंडीशंस में इंटरनेशनल में कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है वो किसी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो वो एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं ओके okay? अब देखते हैं आर्टिकल एट सॉरी सेवन आर्टिकल सेवन देखते हैं यहाँ पर बताया गया है To The amendment procedure of the treaty. treaty amendment okay? It says that each state party has the right to propose amendments to the treaty. The protocol or the annexes of the pro to the protocol at any time after the treaties enter into force. They, the proposed amendment requires the approval of a majority of state parties at an amendment conference with no party casting a negative vote. Okay. यहाँ पर कैसे हम इस ट्रिटी को सिटीब्रिटी को अमेंडमेंट करें ओके okay, यहाँ पर बताया गया है जो इसके मेंबर्स हैं स्टेट पार्टी जो इसके मेंबर्स हैं जो स्टेट पार्टी हैं उनके पास राइट है वो एक अमेंडमेंट प्रोपोजल प्रोपोज कर सकते हैं और ये प्रोटोकॉल के अनुसार टाइम एनी टाइम ऑफ द ट्रिटी मतलब कभी भी पोर्स होने के किसी भी टाइम पे वो एक अमेंडमेंट प्रोसीड्योर का प्रपोज कर सकते हैं ओके द अमेंडमेंट ये जब अमेंडमेंट प्रोपोज किया जाएगा तब क्या होना चाहिए अप्रूवल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो जो सारे मेंबर स्टेट हैं उनके उसका सबका मेजोरिटी मतलब अगर वन फिफ्टी स्टेट्स है तो मेजोरिटी वन हंड्रेड अगर स्टेट्स हैं सोचिए तो वन सिर्फ फिफ्टी वन स्टेट का मेजोरिटी जो है मिनिमम मेजोरिटी वो लगेगा ओके okay? लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट एट एनमेंट कॉन्फ्रेंस विध नो पार्टी काल प्रोसीड्यूर ऑफ एमेंडमेंट ओके आर्टिकल एट देखते हैं एट में क्या बताया गया विच इमेट इन रिव्यू ऑफ द ट्रिटी कैसे हम रिव्यू करेंगे इस ट्रिटी को प्रोविजन दैट अंस टू रिव्यू द ऑपरेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रिटी वुड बी हेल्ड टेन ईयर्स आफ्टर इट्स एंट्री इंटू फोर्स मतलब दस साल बाद उसे हम देखेंगे कि कितना काम कर रहा है इसका इफेक्टिवनेस कैसा है इसका रिव्यू करेंगे कि ये ट्रिटी कैसे अच्छी तरह से काम कर पाया नहीं ओके okay? अनलेस अदरवाइज स्टेट पार्टी पर किया जा, किया जाएगा कि इसका क्या किया जाए यहाँ पर मेजोरिटी स्टेट का वोटिंग देखेंगे कि वो किस चीज में फेवर करते हैं ओके सर्च रिव्यू उन इन टू अकाउंट एनी न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस रिव्यू में हम साइंटिफिक न्यू डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे

इज ऑफ अनलिमिटेड ड्यूरेशन ये जो ट्रिटी है कभी स्टॉप होने की बात नहीं की गई है सो so, ये एक अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक ये जो ट्रिटी है वो चलेगी ओके okay. अब देखते हैं आर्टिकल फोर्टीन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर क्या बताया गया है ऑफ़ ऑफ़ द द आर्टिकल सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी विद इट्स प्रोविजंस ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ये जो एंट्री इनटू फोर्स ये कब लागू होगा इसे कब अप्लाई करेंगे को इसके लिए जो कॉन्ट्रोवर्सी है यहां पर है यहाँ पर क्या बताया गया है इट सेट द ट्रीटी वुड एंटर इंटू फोर्स वन डेज आफ्टर दी फोर स्टेट पार्टी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन

इंटर हो जाएगा इन टू फोर्स ओके बट इन नो केस आर्लियर देन टू इयर्स आफ्टर ओपनिंग फॉर सिग्नेचर बट इन नो केस जो विद मतलब आर्लियर देन टू इयर्स आफ्टर सिग्नेचर के दो साल बाद से पहले ओके ओके okay. नेक्स्ट बताया गया है यहाँ पर टू एंटर इंटू फोर्स मस्ट बी रेटिफाइड रेटिफाइडी फोर कंट्रीज दैट इन इनटीन न्यूक्लियर रिसर्च पावर्स रिएक्टर्स ओके सो यहाँ पर फोर्टी कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड होना मस्ट है ओके इफ द ट्रिटी में ना आई तो थ्री इस आफ्टर द डेट ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ इट्स ओपनिंग फॉर सिग्नेचर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यू क्या बताया गया है इफ द ट्रिटी हेज नॉट एंट्रेड ये अगर ट्रिटी अगर ना आए तो तीन साल बाद थ्री इस आफ्टर द डेट ऑफ एनिवर्सरी उसके ठीक जिस दिन ट्रिटी आया था उस दिन थ्री तीन साल बाद ओपनिंग फॉर सिग्नेचर किया जाएगा ओके The Secretary General of the UN, as a depository of the treaty, could, at the request of a majority of state, that is, uh, that had ratified it. तब कि उसके पास ratified हो जाएगा. Okay. Okay. यहाँ पर और बताया गया है. क्या बताया गया है यहाँ पर? It con uh, ratified. यहाँ पर majority state had ratified. यहाँ पर अगर majority states ratified कर दिया तो होगा. इट कॉन्फिडेंस टू एक्सामिनल लॉ में बी अंडरटेकिंग टू एक्ट द रेटिफिकेशन प्रोसेस ओके यहां पर मेजोरिटी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कॉन्सेंस के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इसके साथ कैसे रेटिफाई किया जाएगा uh, इसके लिए ओके okay? अब देखते हैं आर्टिकल सिक्सटीन यहाँ पर क्या बताया गया है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एज द ट्रीटी डिपोजिटरी ये होंगे के पर पर आकर आपको साइन या रेटिफाई करना होगा और आर्टिकल uh, जो एट सेवेंटीन है यहाँ पर क्या बताया गया है इट कंटेन्स द प्रोविजन दैट द टेक्सट इन ट्रिटी इन द द्रिटी आर इक्वली ऑथेंटिक ये ऑथेंटिक होना चाहिए ऑफ बींग वो अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश किसी भी हो ये किसी भी देश के विपक्ष नहीं होना चाहिए सबको एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक्लाइन पर मेंटेनेंस करके ये होना चाहिए ओके okay? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब पॉइंट मतलब जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं सो so, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जिन्होंने सिग्नेचर नहीं दिया इंडिया ने नॉर्थ कोरिया ने एंड पाकिस्तान ने ये जो थ्री स्टेट्स हैं उन्होंने नहीं सिग्नेचर किया लेकिन उसके बाद देखते हैं यूनाइटेड स्टेट लीड टू टू कंक्लूड उन्होंने सबसे पहले सिटीबीटी को साइन जरूर किया था लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं किया था अभी तक भी उन्होंने रेटिफाई नहीं किया अभी CTVT के पास वन सिग्नेटरी स्टेट्स हैं और अभी वन सिक्सटी एट जो है उन्होंने रेटिफाई किया है और लेटेस्ट जो सिग्नेटरी स्टेट जो ज्वाइन किया है CTBT के के मेंबर तौर पर वो है क्यूबा ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं सिटीबीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है वो है वियना ऑस्ट्रिया में ओके okay? सिटीबीटी कब अनाउंस्ड किया गया था सिटीबीटी इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बुत्री के द्वारा 1996 फॉर 24 सितंबर को यह इंट्रोड्यूस किया गया था तो so, कौन थे सेक्रेटरी जनरल बुत्री ओके okay. मेन प्रोविजर्स देखते हैं ये क्या चाहता है सिटीवी फर्स्ट है द ट्रीटी बैंडेड एवरी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और न्यूक्लियर वेपन्स मतलब ये किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकने की कोशिश करता है सेकंड है एन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम वाज टाइरेशन वायोलेट हो रहा है ऐसा एक मोनिटरिंग सिस्टम बनाना ओके की कहीं पर भी टेस्ट ना हो न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर ऑपरेशन ना किया जाए ओके थर्ड है एनी अंडरग्राउंड एटमोस्फेरिक और अंडर वाटर एक्सप्लोशन मोर पावरफुल देन द इक्वीवेंट टवर्क ऑफ ट्वेंटी स्टेशन ओके सो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है एटमोस्फेयर so, पे अंडर वाटर पे ये एक्सप्लोशर मोर पावरफुल देन दूव हंड्रेड थाउजेंड टोसिव उसको हम ट्वेंटी uh, स्टेशन के मतलब उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर रखना होगा ओके okay?

ये है सीटीबीटी का जो लोगो है वो सो यहाँ पर सीटीबीटीओ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है ये है ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिटी को अगर आपको

Uh, इनमें थ्री जैसे हैं जो उन्होंने साइन और रेटिफाई नहीं किया ओके okay, एक तो है uh, इंडिया पाकिस्तान और हमने जो बताया था कोरिया कोरिया ओके साइन बट नॉट रेटिफाई जिन्होंने साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया वो चाइना इजिप्ट ईरान इजराइल ओके okay, चाइना इजिप्ट ईरान इजराइल यूएसए ओके okay, तो नॉर्थ कोरिया ने इंडिया पाकिस्तान ने रेटिफाई भी नहीं किया साइन भी की नहीं किया और इन्होंने ये जो चाइना इजिप्ट ईरान इसराइल यूएसए है इन्होंने रेटिफाई किया नहीं किया लेकिन साइन जरूर किया है ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कौन से स्टेट्स क्यू नहीं साइन किया ओके साइंड बट नॉट रेटिफाइड यूएस मैंने कहा था ओके और नॉट साइन दी स्टेट्स है यहाँ पर उनका स्टेटस क्या है ओके okay, यहाँ पर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन दार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटरी कमीशन फॉर द कंप्रिहेंसिव टेस्टिटी सिटीबीटी पे उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है यूएस का ये लार्जेस्ट डोनर है सिटीबीटी में ओके इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम में एक्सट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट टेक्निकल कोऑपरेशन वॉल्टरी ट्रांसमिशन ये बहुत सारे चीजों में उनका एक योगदान है सबसे बड़ा एक डोनर है मॉनिटरिंग सिस्टम में इनका ऑफिशियल एक्सप्रेशन क्यों है क्यों उन्होंने रेटिफाई नहीं किया डोमेस्टिक कंसीडरेशन रिलेटेड टू द पोटेंशियल टेक्निकल वीकनेस ऑफ द दिटी इन डिटेक्टिंग चेकिंग एंड द नीड्स नीड टू मेंटेन अ रिलायबल न्यूक्लियर वेपन्स एस विदाउट टेस्टिंग ओके यहाँ पर उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि uh, ये इनके पास सी के पास कोई एक अच्छा पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है सो so, इसलिए उन्होंने रेटिफाई नहीं किया ओके okay, चाइना ने क्यों चाइना का क्या योगदान है वॉलंटरी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम सर्टिफाइड आईएमएस स्टेशंस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द दिटीबीटी मेकिंग बॉडीज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और सर्टिफाइड आईएमएस एम स्टेशन के द्वारा उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्स बहुत जो जो साइन है वो उन्होंने किया उनका ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है यूएस जब ज्वाइन करे हम भी ज्वाइन कर लेंगे इसराइल का क्या है इनका क्या योग योगदान है यहाँ पर भी वॉल्टरी ट्रांसमिशन होता है डाटा बहुत सारे भेजते हैं और सीटीबीटी में डिसीजन मेकिंग बॉडीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं उनका रीजनल इंस्टेबिलिटी है इसलिए उनके पास उन्होंने रेटिफाई नहीं किया ईरान का क्या कॉज है पार्टिसिपेशन करते हैं सिटीबीटी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में लेकिन कोई डाटा वो ट्रांसमिट नहीं करते इनका ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे ओके इजिप्ट का क्या है क्या कॉज इंस्टेबिलिटी है एब्सेंस ऑफ द ट्रिटी क्रिएटिंग जोन फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड अदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन सो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उनके एरिया में सो वो मिडिल ईस्ट में क्या है मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक है तो उनको एक सावधानी रखनी पड़ती है ओके okay? सो so, इंडिया का पाकिस्तान का क्या व्यू पॉइंट है ऑब्जर्वर तो टू ऑब्जर्वर स्टेटस है ओके okay? कोई रेटिफाइड भी नहीं किया उन्होंने और मेंबर भी नहीं है इंडिया उनका पॉइंट है इंडिया जब ज्वाइन करेगा हम कर लेंगे नॉर्थ कोरिया का कोई पॉइंट ही नहीं है वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है इसके साथ उसका पॉइंट है यूएसए जब यूएस करेगा हम कर लेंगे इंडिया कोई भी तरीके से रिलेटेड नहीं है इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया री इन्फोर्समेंट ऑफ इनइक्वालिटी अमंग न्यूक्लियर स्टेट्स जो न्यूक्लियर स्टेट्स वेपन स्टेट्स हैं उनमें वो एक अः देखते हैं कि बहुत सारा इनइक्वालिटी देखा जाता है हम्म टू रिफाइन न्यूक्लियर न्यूक्लियर ऑर्डर वेपन स्टेट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जो न्यू न्यूक्लियर न्यू स्टेट्स है उनको नहीं दी जाती है ओके okay? इनका हिसाब है इंडिया का ओके okay? यहाँ पर यह बताया जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को रिफाइन करते हैं ऑर्डर देते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए परमिशन होता है लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है उनके पास राइट नहीं है ओके okay, क्रिटिसिज्म क्या की गई है यहाँ पर हम देखते हैं ओके क्रिटिसिज्म क्या है ओके okay, सॉरी

न्यूक्लियर है एडवांटेज उनके पास एक बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं सिक्योर द रिकोगश ऑफ दियर राइट टू मॉडर्नाइज देयर जो उनके पास है वो अपने मिसाइल्स uh, को मॉडर्नाइज कर सकते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है और ये जो सी टीबी टी है ये एक नॉन कॉम्प्रीहशिव है क्योंकि ये, ये कोई कम्प्रीहेंशिव ली बिहेव नहीं करता ये बैन नहीं करता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को ये सिर्फ न्यू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को नहीं बनाने देता सो ये यहाँ पर बहुत सारी खामियां हैं सी की आ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कोशिश है लेकिन यहाँ पर जो है कि आ, जो स्टेट्स के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है जिनके पास नहीं है उन्हें नहीं, नहीं। सो so, Uh, की तरह सिटी में बहुत सारी खामियां हैं सो इसे फुलफिल कर लिया जाएगा तो शायद फ्यूचर uh, में इंडिया इसका मेंबर हो सकता है ओके सो दैट्स लेक्चर थैंक यू कीप ऑन वाचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग